हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोटी सैंडविच। बहुत आसान है। जब भी आपको वह के नाश्ते में कुछ भी समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो आप रोटी सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लोई को इस तरह गोलाकार में बेल लिया है, इसे कट लगाया है इस तरह से, और ये तवा गर्म हो चुका है, इस पे हम इसे डाल देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो इसे हम इस तरह पलट देंगे और इसे उलट पलट कर सेक लेंगे। अब ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे टमाटर एक साइड में लगाएंगे, उसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी प्याज लगा ली है। उसके बाद मैंने कुछ खीरे के पीसेस रखे हैं यहाँ पर, एक साइड मैं डालूंगी, ये देखिए सॉस इस तरह से, एक साइड मेयोनीज, चार भाग में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है और चारों में ये इस तरह से रख दिया है। सॉस के ऊपर ही मैं पनीर के इस तरह स्लाइसेस डाल दिए हैं मैंने, और देखिए ऊपर से डाला है चाट मसाला। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक जो जहाँ से कट किया था उस लेयर को हम फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी इस तरह से, और फिर इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। लीजिए, तो बनकर हमारा रोटी सैंडविच एकदम तैयार है। बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, तो फ्रेंड्स खाने में भी उतना ही टेस्टी और मज़ेदार है। आप इसे खाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी है और बहुत ही आसान है, बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमें जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया सी रेसिपी है, और जब भी आए हों मेहमान तो ना कर खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।